हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आशीष साहू। आई एम भूपेन साहू। आई एम डॉक्टर अंकित देवांगन। और हम लोग कॉलेज टूर की एक वीडियो बना रहे हैं, तो इसने हम लोग को चाय की पार्टी देके हम लोग को थोड़ा सा खरीदा है, बस कुछ और पेमेंट देनी बाकी है वीडियो के बाद। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अंदर चलते हैं। तो बाहर से PTGNM मेडिकल कॉलेज कुछ इस तरह से दिखता है। हम लोग अभी रोड से बाहर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर एक भाई साहब अपने काम में व्यस्त हैं, तो कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। और अब हम मेन गेट से अंदर जाएंगे और ये है हमारे कॉलेज का मेन गेट, जहाँ पर अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से थोड़ा सा बैरिकेड लगा दिया गया है। ये वीडियो थोड़ा पहले का है। और जब आप इधर अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर आपको न्यू बिल्डिंग दिखेगी, और जब आप और अंदर आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर मेन बिल्डिंग दिखती है। गाड़ी यहाँ पर पार्किंग में लगा देते हैं। तो बाहर से देखने के बाद अब हम चलते हैं अंदर, और अंकित और भूपेंद्र भी मेरे साथ चलेंगे। और ये बिल्डिंग का मेन गेट है जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। तो हम अंदर आ गए हैं और ये रही हमारी नेहरू जी की मूर्ति। और अब हम चलते हैं लेक्चर हॉल की तरफ। और यहाँ इधर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में डीन्स ऑफिस है, और यहाँ पर आपको कुछ पेंटिंग्स दिखेंगी जो कि 2018 में बनाई गई थी फाइन आर्ट्स के टाइम, कॉलेज फेस्ट के टाइम। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पे लिफ्ट है, जिसके बारे में मैंने अपने मैन वर्सेस मेडिकल कॉलेज वाली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और अब हम लेक्चर हॉल की तरफ चलते हैं, और जब आप बीच में हॉल से गुजरेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको गार्डन के लिए रास्ता दिखेगा। तो ये हॉल है, और फाइन आर्ट्स के टाइम इधर पे कलाकारी हुई थी काफ़ी ज़्यादा इधर। और ये है अंकित और भूपेंद्र का फेवरेट रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, जहाँ हम अभी फ़िलहाल तो अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है। और एक लेक्चर हॉल खुला है तो वहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। और सबसे पहले कोई भी फर्स्ट ईयर का बंदा सबसे पहले यहीं पे आता है। तो लेक्चर हॉल 1 कुछ इस तरह से दिखता है। तो हम लोग अभी LH1 में हैं, और LH1 सबके लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि हर कोई फर्स्ट ईयर की पढ़ाई इसी लेक्चर हॉल से स्टार्ट करता है। और इसी से जुड़ी होती है, और एक बार LH1 से गए तो फिर दोबारा सिर्फ लिट्रा के टाइम ही आते हैं। पहला व्यक्तित्व विकास यही होता है हमारा। तो आप लोग को बेंच टेबल का स्पेशल सर्वे कराते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट बेंच में वो लोग बैठते हैं जिनको आंसर पता होता है, और जो टीचर्स की हाँ में हाँ भी ऐसा मिलाना चाहते हैं, और जिनको थोड़ा हाईलाइट होना होता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। सेकेंड बेंच में वो लोग बैठते हैं जिनको आंसर नहीं पता पर वो टीचर्स की हाँ में हाँ मिला, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, आपको आंसर भी नहीं पता लेकिन आप सेफ रहना चाहते हैं, बस भीड़ में घुसना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेके यहाँ उसी बेंच में बैठ सकते हैं। और लास्ट बेंच जो भी होती है जहाँ तक टाइम लग जाती है आप बैठना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि लास्ट पर लोगों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पर देखो टेबल तोड़ पढ़ाई हुई है यहाँ पर। तो यही था हमारा टूर एलेक्स का, तो चलते हैं वापस आगे चलते हैं। इधर हम लोग आ गए हैं लेक्चर हॉल 1 के सामने। इधर है गार्डन है, इधर जिधर हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले इधर आराम करते हैं। ये गार्डन जब हम फर्स्ट ईयर में थे उसी समय अच्छे से रेनोवेट हुआ था, जहाँ पर हम भी ग्रुप स्टडी करते थे पहले, और जब कॉलेज में थे तो यहाँ पर अक्सर बैठा करते थे। और ये हिस्टोलॉजी लेबोरेटरी है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम वो पिंक और बस पिंक ही देखते हैं और कुछ भी नहीं दिखता हमको। और मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा सा उल्लू दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप मेरे बगल में। अब हम पीछे तरफ की सीढ़ी से, एलएच की बाजू वाली सीढ़ी से, अब अपन फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। और हम आ गए हैं छत पर, सांस फूल गई है। तो हम अभी छत पर आ गए हैं, और छत तो बाकी टाइम में खाली रहता है पर फेस्ट के टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और उधर से अपना एक जूनियर आ रहा है 18 बैच का, आइए। ये मिली हमारे जूनियर गोपेश से। कहाँ से आ रहे हैं गोपेश आप? PSM के क्लास से आ रहा हूँ, इसीलिए काफ़ी थके हुए लग रहे हैं ये। आप समझ सकते हैं, अगर आप मेडिकल तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या हालत है। PSM क्लास क्या होता है? और उधर वो बच्चे क्या क्यों इकट्ठे हुए हैं? नन्हे मुन्ने बच्चे, प्रोजेक्ट मिला है, दर्द झेल रहे हैं वहीं पे, प्रोजेक्ट का दर्द झेल रहे हैं ये लोग।
हमारा भी एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जनरल ऑफ पीएसएम में अभी पब्लिश होने वाला है, जिसके हम लोग ऑथर हैं। और ज़रूर पढ़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वो पब्लिश हो गया और मुझे वो लिंक मिल गया तो। और अगर कोई लड़की ये इस लड़के को पसंद करती है तो इसकी आईडी का लिंक आप नीचे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फॉलो कर सकते हैं आप इनको, अवेलेबल है आपके लिए। हाँ, जब चाहे। नो पेमेंट। ठीक है। अभी हम इंटर्नशिप में हैं तो कॉलेज की छत पर आना काफ़ी कम होता है। जब हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थे तो उस टाइम जब फार्मा और पीएसएम की क्लास अटेंड करते थे लेक्चर हॉल 4 में, तो छत पर अक्सर घूमते थे टाइम निकाल कर। पीएसएम प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं लोग, मजाक बना रखा है, मजाक बना रखे पीएसएम। और इधर छत से पूरा शहर दिखता है, इधर नीचे झाड़ी भी दिखती है, तो अगर कोई झाड़ियों पर छुपा होगा तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। हम लोग अभी थर्ड फ्लोर पे हैं, यहाँ पे पीएसएम डिपार्टमेंट है और फार्मा डिपार्टमेंट है, तो उधर थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी और इस तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम। मैं तो दूसरे मांगने वाली थी अब। और यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर इधर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी है और इधर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, जो कि अभी कोविड के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि यहाँ पर आरटीपीसीआर के सैंपल्स टेस्ट होते हैं। और इधर फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और इधर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी है। और फिर जब हम इधर हॉल की तरफ जाते हैं तो इधर लेक्चर हॉल 2 पड़ेगा। और ये है हेमाटोलॉजी का प्रैक्टिकल लैब। तो यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है कि रैगिंग इज पनिशेबल, से नो टू रैगिंग एंड यस टू जॉयफुल कैंपस। और मेरे दोस्त और मैं यही फॉलो करते हैं, से नो टू रैगिंग, से यस टू जॉयफुल कैंपस। तो पुरानी बिल्डिंग अपने घूम लिया, अब थोड़ा सा नया बिल्डिंग देख लेते हैं, जहाँ पे फाइन आर्ट्स के टाइम हम लोगों ने काफ़ी अच्छी कलाकारी की थी। देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे ये सब कुछ हम तीनों ने ही मिलकर बनाया था, पूरा सब कुछ ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा बनाया था हम लोगों ने, जिसके कारण हमको सेकंड प्राइज दिया गया था। और इधर आप देख सकते हो कि ड्रैगन है, फिर उधर वो क्लियोपैट्रा है, और बीच वाले का नाम मेरे को नहीं पता, उधर वाले का एटलस। हाँ, एटलस। अच्छा, और ये और इधर पीछे में है, यहाँ पे इस तरह से व्यू है। और ऊपर में हमारे थीम का नाम था सिविलाइजेशन, जो कि पूरी तरह से सिविलाइजेशन अब नष्ट हो चुका है। और अगर आपको कोविड वैक्सीनेशन लगाना है तो यहीं इसी बिल्डिंग में थर्ड या फोर्थ फ्लोर या फिर फिफ्थ फ्लोर, उठा दो भैया थोड़ा सा। हाँ, शॉट, अब आपकी बारी। अब वो बोल रहे हैं कि मैंने शॉट ले लिया है करके। ये शॉट मारना भाई, पकड़ो। हे गाइस, और ये था हमारा कॉलेज टूर छोटा सा, और इसके बाद इसका पार्ट टू भी आएगा जल्दी ही, जिसमें अपन हॉस्टल का थोड़ा सा टूर करेंगे एकदम छोटा सा। और ये वीडियो हमने बहुत पहले शूट की थी, आई थिंक 2 महीने हो गए, तो वो मेरे बाल देख कर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो के आखिरी में आप सबसे यही बात कहना चाहूँगा,